आज हम बनाएंगे खोया के गुजिया, बिल्कुल क्रिस्पी, मुंह में रखते ही बिल्कुल घुल जाएंगे, उतना सॉफ्ट। और नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पवित्रा। आज हम बनाएंगे खोए के गुजिया, इसके लिए क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 इलायची लिया है और 2 टेबलस्पून जितना घी लिया है। तो खोया के गुजिया बना रहे हैं तो खोया लिया है मैंने 150 ग्राम और शुगर लिया है 100 ग्राम। तो बहुत इजी रेसिपी है दोस्तों, आप देखते जाइएगा कैसे बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, ऑल पर्पज फ्लोर 250 ग्राम, 250 ग्राम। तो इसमें डाला है घी। तो सबसे पहले मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है और इसमें घी डाला है मैंने जितना दिखाया था। तो उसे अच्छे से हम मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी को, ताकि इसमें अच्छे से मोयन आए और इसी वजह से गुजिया जो है बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बन जाएंगे। जब आप मुंह में रखेंगे ना बिल्कुल घुल जाएंगे ये। तो देखिए इस तरह से पेड़े जैसे बनना चाहिए, तब तक हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी मैं पानी डालकर इसका डो तैयार करूंगी। देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है, तो ज्यादा कड़क नहीं बनाया है मैंने, डो सॉफ्ट भी रखा है। तो 10 मिनट के लिए रखेंगे उसे। इससे पहले शुगर और इलायची दोनों को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। तो मैंने 6 इलायची ली है, इलायची के जो छिलका है उसे हटाकर बीज को डालकर इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहे तो छिलके के सहित भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो अभी मैंने लिया है खोया, इसे जो मैंने मिक्सी में पाउडर किया है शुगर को उसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। तो एक और तरीके से बनता है दोस्तों गुजिया खोए के। खोए को अच्छे से भूनते हैं, मतलब रोस्ट करते हैं गैस पर। तो उस तरीके से भी मैं कभी और बना के दिखाऊंगी आपको। तो रेडी हो चुका है, उस मिक्सचर को रख दिया है अलग, और ये 10 मिनट हो चुका है, इसको मैंने अच्छे से गूंदा है, आप देख सकते हैं। मैं फास्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में बहुत बोर होगा। तो बहुत ही अच्छे से मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे गूंदा है। तो गूंदने से अच्छा बनेगा गुजिया। तो इसके ऊपर स्प्रेड करने के लिए मैंने 50 ग्राम जितना मैदा फ्लोर लिया है और इसके पेड़े काट लेंगे हम। आपको जिस साइज में बनाना है उस साइज में आप पेड़े काट लीजिएगा, लोई। मतलब आपको बहुत ही बड़े साइज के गुजिया बनाना है तो जरा बड़ा साइज का ही आप लोई काट लीजिएगा। मुझे मीडियम साइज का बनाना है तो मीडियम साइज से मैंने लोई काट लिया है। और इन सारे लोइयों को ऊपर थोड़ा सा आटा छिड़केंगे और इसे बेलेंगे हम, ताकि इसमें खोया भर सके। तो अच्छे से आटा डालकर जो इसे मिक्स करने से एक दूसरे पे नहीं चिपकेगा ये, जो क्योंकि ये मैंने बहुत सॉफ्ट बना है आटा, ताकि मुंह में इतने आटा सॉफ्ट बनाने से ही मुंह में रखने पर बिल्कुल घुल जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें घी भी डाला है। और कड़क नहीं बनेंगे दोस्तों बिल्कुल, गुजिया सॉफ्ट बनेंगे। और सॉफ्ट बनेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट भी रहेंगे साथ में उतना ही क्रिस्पी रहेगा ये। तो देखिए इसे हम बेल लेंगे, थोड़ा पतला ही बेलना है हमें, ज्यादा मोटा रखेंगे तो गुजिया का जो आटा जो हम तलेंगे ना वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पतला ही बेलिएगा। तो देखिए मैंने बेल लिया है इसे, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल मैंने पतला बेला है। तो इसी तरह से सारे लोइयों को बेलकर हम इसका पुरिया तैयार करके रख देंगे, ताकि इसमें खोया भर सके। तो मैंने सारे लोइयों को बेला है, 3 रखा है मैंने यहाँ पर, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। देखिए ये शुगर डालने की वजह से बिल्कुल पेस्ट की तरह बनी है। आपको यकीन मानिएगा, इसे आप खाने से बिल्कुल बर्फी खा रहे हैं ऐसा लगेगा, क्योंकि सिर्फ खोया है और शुगर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। आप इस तरह से जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसे बंद करेंगे इस तरह से। अगर आपने आटे को कड़क बनाया है तो थोड़ा सा पूरे के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर आप बंद कीजिएगा, तो अच्छे से बंद होगा, क्योंकि मैंने सॉफ्ट बनाया है इसलिए अच्छे से बंद हो गया। तो इस तरह से हमें इसको डिजाइन करना है। तो एक दूसरे पर इसे घुमाते जाएंगे तो अच्छे से गुजिया का शेप आ जाएगा इसमें। देखिए जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देंगे, बिल्कुल जो मार्केट में मिलता है ना उसी तरह से गुजिया बनाया है मैंने, तो उससे भी स्वादिष्ट है दोस्तों। तो रेडी हो चुके हैं, अभी हम इसमें ऑयल में तलेंगे इसे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, ऑयल को आप जरा अच्छे से गर्म कीजिएगा। उसके बाद फ्लेम को आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख दीजिएगा, क्योंकि ये जल जाए तो टेस्ट नहीं आएगा अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं। मैंने इसमें घी डाला है इसलिए। तो मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, क्योंकि अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे। एकदम से हाई फ्लेम पर डालेंगे तो उसका कलर भी ब्राउन हो जाएगा
और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, अंदर तक भी फ्राई नहीं हो पाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है गुजिया खोए का। लेकिन मानिए दोस्तों ये आप खाने पर ही आपको पता चलेगा बिल्कुल बर्फी खा रहे हैं ऐसा लगेगा, और अंदर से ना खोया बिल्कुल पिघल चुका है। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी बाद में। तो देखिए मैंने सारे गुजियों को फ्राई किया है, इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी बना है देखिए, और जो खोया था पूरा गुजिया पे लग चुका है पिघल कर, तो बिल्कुल बर्फी की तरह लग रहा है खाने पर। आपको कैसा लगा दोस्तों ये रेसिपी मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट कर बताना ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।